हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस ऑन ए न्यू टॉपिक। और जो फंगस के अंदर जो क्लासिफिकेशन हम कर रहे थे, उस क्लासिफिकेशन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन यहाँ पे आती है। नंबर फर्स्ट फंगस के अंदर क्लासिफिकेशन आएगी बैसिलियोमाइसेटिस। बैसिलियोमाइसेटिस इसके अंदर क्या होता है, इसका नाम जो आता है वो आता है बैसिलिया की वजह से। बैसिलिया, व्हाट इज बैसिलिया? बैसिलिया से अम्ब्रेला, या इसको बोलते हैं क्लब लाइक स्ट्रक्चर। क्लब लाइक स्ट्रक्चर, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं बैसिलिया प्रेजेंट। अब देखो डायग्राम की जो देखिए, अगर आपने कॉमन मशरूम देखी हुई है, जो मशरूम आती है, इस मशरूम में क्या होता है, इस मशरूम के ऊपर आपको इस तरह से दिखाई देता स्ट्रक्चर, ये लाइक दिस, यानी अम्ब्रेला टाइप में आपको दिखाई देता कॉमन मशरूम होती है, तो वही होता है बैसिलिया। वही क्या होता है, यही स्ट्रक्चर होता है बैसिलिया, ये बैसिलिया स्ट्रक्चर होता है। इसका जो कॉमन एग्जाम्पल होता है वो होता है मशरूम। मशरूम जिसे बोलते हैं एग्रिकस, क्या बोलते हैं इसको, एग्रिकस कहते हैं। ये इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल होता है। और क्या होता है इसके अंदर, जो बैसिलिया होता है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। बैसिलिया प्रोड्यूस स्पोर्स, क्या करता है ये, स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और उन स्पोर क्या बोलते हैं, उन स्पोर को कहते हैं बैसिलियोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको, बैसिलियोस्पोर, बैसिलियोस्पोर बोलते हैं। और एग्रिकस जो होती है कॉमन एरिबल फंगस होती है, इसे कॉमनली खाया जाता है। सो एग्रिकस इज एग्रिकस इज कॉमन एरिबल फंगस। ये ऐसी कॉमन फंगस होती है जिसे कॉमनली क्या कह जाता है, इसे कॉमनली खाया जाता है एग्रिकस को, तो एज ए फूड ये यूज की जाती है बेसिकली। तो ये था बैसिलियोमाइसेटिस के बारे में। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट के बारे में, वो आती है यहां पे एस्कोमाइसेटिस। इसे हम कहते हैं सेक फंगस, ऑल्सो नोन एज सेक फंगस, इसे सेक फंगस के नाम से बहुत कॉमनली जानते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन सबसे कॉमन एग्जांपल होता है ये। और ये एज एंटीबायोटिक फॉर्म में यूज की जाती है। और ये कई बार पिगमेंटेड होती है। एस्कोमाइसेटिस ऑल्सो हैव पिगमेंट्स, इसके पास कई तरह के अलग अलग तरह के कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट मिलते हैं। इसलिए फंगस होती है कई बार आपको बहुत ज्यादा कलरफुल दिखाई देती है पिगमेंट्स की वजह से, बट ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, कोई फोटोसिंथेसिस ये नहीं करेगी, क्योंकि कोई फंगस फोटोसिंथेसिस करती नहीं है। और ये पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन इज कॉमनली यूज्ड इन एंटीबायोटिक। तो ये एंटीबायोटिक में कॉमनली यूज की जाती है पेनिसिलिन, राइट? और इसकी जो सेल्वॉल होती है वो काइट सेलो से नहीं बनी होगी। देखो फंगस की सेल्वॉल जो होती है वो सेलुलोज से और काइटिन दो चीज से बनी होती है, लेकिन इसमें सेलुलोज की बजाय इसमें काइटिन बनेगी प्योरली। सेल्वॉल इज मेड विद काइटिन, क्या मिलेगा इसके अंदर, काइटिन दिखाई देगा, सेलुलोज से फॉर्म होती है।
सेलबोन जो होती है वो सेलुलोज की बजाय किससे बनी मिलेगी आपको, काइटिन से बनी मिलेगी इसके तरह, राइट। ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट में करते हैं इसके अंदर, वो आती है फाइकोमाइसिनिज। फाइकोमाइसिनिज को फाइकोवर्ड प्लांट के लिए आता है बेसिकली। ये क्या होती है, इसका ऑल्सो नॉन नॉन एच एल्गल फंगस, क्या बोलते हैं इसको, एल्गल फंगस कहते हैं इसे, राइट। क्योंकि ज्यादातर आपको डैम्प एरिया मिलती है, कहां पर होती है, ग्रो इन ह्यूमिड, ह्यूमिड में नमी वाला, डैम्प अंधेरे वाला एरिया में ज्यादातर ग्रो होती है इससे, यानी ह्यूमिड और डैम्प एरिया में ज्यादा क्या होती है, ग्रो होगी यहां पर। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है वो होता है एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो। और ये फंगस होती है, ये वॉटर कंडीशन में आपको देखने मिलती है। दिस फंगस ऑल्सो ग्रो इन वॉटर, ये आपको पानी के अंदर भी ग्रो होती मिलेगी। ये कहां पर होती है, ये पानी के अंदर भी आपको ग्रो होती मिलेगी फंगस। और जो नेक्स्ट टाइप का हम बनाते हैं वो आती है डी टाइप, वो आती है ड्यूटेरोमाइसिनिज। इसका जो फूड टाइप जो बनता है, इसके तीन टाइप मेन होते हैं, बेसिडियो एस्को और डिटोरो। फोर्थ फाइकोप भी इंपोर्टेंट बन सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट ड्यूटेरोमाइसिनिज, ड्यूटेरोमाइसिनिज क्या होती है, ड्यूटेरोमाइसिनिज बेसिकली ये ऐसी फंगस होती है जिसके अंदर सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होता है वेल क्लासिफाई नहीं है, यानी वेल डिस्क्राइब नहीं है। देखो जो भी फंगस आपको, फंगस की हम नियरली 77,000 से ज्यादा जेनरा को हम जानते हैं, और उन जेनरा में से मोस्ट ऑफ द जेनरा आपको ऐसा मिलेगा जिसके बारे में सेक्सुअल प्रोडक्शन वेल, यानी जो उसको फंगस का तो हमें पता है बट वेल डिस्कवर नहीं है, उनके फंक्शन हमें प्रॉपरली नहीं पढ़े हुए, उनका स्ट्रक्चर हमने प्रॉपरली नहीं पढ़ा हुआ। तो जब तक उनका सेक्सुअल प्रोडक्शन हमें कंप्लीटली हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे तब तक वो फंगस ड्यूटेरोमाइसिनिज में रखे जाएंगे। उसके बाद वो अदर जो थ्री पार्ट हमने बनाए एस्को बेसिडियो फाइको उनमें पुट हो जाएंगे। वो क्या होता है, सेक्सुअल प्रोडक्शन इज नॉट वेल स्टडी, ये वेल स्टडी नहीं किया, फिर आप ये बोल सकते हैं इसके अभी एब्सेंट है, हमें पता ही नहीं तो एब्सेंट ही ले सकते इसके। और क्या होता है इसके अंदर, मोस्टली रिप्रोडक्शन इसमें ज्यादा स्पोर्स के द्वारा होता है, मोस्टली रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, स्पोर्स के थ्रू होगा, मोस्टली रिप्रोडक्शन किसके थ्रू मिलेगा आपको, स्पोर्स के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी मिलता है इसके अंदर। बट मेनली यहां पे क्या होता है, मेनली यहां पे स्पोर फॉर्मेशन होती है। अगर एग्जाम्पल मैं यहां पे दूं, एग्जाम्पल लिखिए, इसमें एग्जाम्पल रहेगा ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन। ट्राइकोफाइटॉन जो होती है कॉमनली ह्यूमन की बॉडी में ग्रो होने वाली फंगस होती है। कहां ग्रो होती है, ग्रो इन ह्यूमन, ग्रो ऑन ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी की ऐसी एरिया जहां पे स्किन की फोल्डिंग्स होती है, लाइक आर्मपिट हो गई, जेनेटल ऑर्गन के राउंड में हो गया, जो टो होती है उंगली की, जो लेग यानी फिट की जो उंगलियां होती है उसके टो के नीचे आपको मिलती है, और ये कई बार डिजीज भी कोज करती है, इसे कहते हैं एथलीट फुट नाम से डिजीज होती है, वो कॉमनली कोज करती है। ग्रोइंग ह्यूमन बॉडी एंड कोच स्किन डिजीज, स्किन डिजीज ये कोच करती है, राइट। तो दैट इज अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिनिज। और फंगस की जो क्लासिफिकेशन होती है वो होती कंप्लीट। इसके बाद जो हम करेंगे वो आता है किंगडम प्लांटिंग।